ड्रग्स बना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। आतंकवादी कैसे फैला रहे मैथ का जाल। इस वक्त ड्रग्स और आतंकवाद का कनेक्शन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और ये एक ऐसा ड्रग्स है जिसके जरिए आतंकवादी अपने कनेक्शन को फैलाते हैं, जिस ड्रग्स का नाम मैथ है। और ये कोई ऐसी वैसी ड्रग्स नहीं है। इसके बारे में अगर आप सुनेंगे और इसका आतंकवाद के साथ कनेक्शन जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। मेथामफेटामाइन, जिसे मैथ भी कहा जाता है, ये ड्रग्स काफी खतरनाक होती है। ये ड्रग्स की एक नई तरह की किस्म है जो बेहद खतरनाक है। इतना खतरनाक कि लेने वाला कुछ ही दिनों में दिमागी बीमारी का शिकार बन जाता है, और इसके तस्कर ऐसे हैं कि उसे पकड़ने में दिग्गज जांच एजेंसियों के पसीने छूट जाते हैं। और इस ड्रग्स का जाल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे बड़े देशों तक भी फैला है। लेकिन इस ड्रग्स की पहचान केवल इतनी ही नहीं है, इसके तार आतंकवाद से भी जुड़े हैं। जी हां, आतंकवाद से। दरअसल जांच एजेंसियों ने मैथ के नशे और आतंकवादियों के कनेक्शन से पर्दा हटाया है, क्योंकि धीरे धीरे दुनिया के कई देशों को ये ड्रग्स अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं। और तो और, मैथ का ये नशा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रग्स आखिर कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है, तो वो हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस ड्रग्स के बारे में आपको बता देते हैं कि आखिर ये मैथ आखिर है क्या। दरअसल अफगानिस्तान और ईरान के ऊंचे इलाकों में इफेड्रा एक पौधा उगता है। झाड़ियों के बीच ये उगने वाला मामूली सा पौधा है। कुछ साल पहले इस पर किसी की नजर नहीं थी, फिर पता चला कि इफेड्रा नाम के इस पौधे से इफेड्रीन का उत्पादन किया जाता है, वही इफेड्रीन जो मेथामफेटामाइन बनाने के लिए बेहद जरूरी होती है। जिसके बाद देखते ही देखते इफेड्रा नाम का ये पौधा ड्रग्स कार्टेल की नजरों में चढ़ गया, जिसके बाद चीन सहित कई नार्को टेरर संगठनों ने अफगानिस्तान ईरान की तरह अपने अपने काले कदम आगे बढ़ा दिए, यानी वो संगठन जो ड्रग्स के जरिए आतंकवादियों को फंडिंग करते हैं। दरअसल भारत की जांच एजेंसियों के सामने साल 2022 में खुफिया रिपोर्ट आई। ये रिपोर्ट बेहद डरावनी थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि आतंकवाद की फंडिंग के मामले में मैथ बहुत तेजी से हेरोइन की जगह ले रही है। रिपोर्ट में आगे भी खतरनाक बातें कही गई थीं। इसमें बताया गया कि मैथ को बनाने के लिए अफगानिस्तान और ईरान में प्रोडक्शन के दो स्तर के इंतजाम हैं। पहले इफेड्रा पौधे से इफेड्रीन निकालते हैं और फिर मेथामफेटामाइन बनाने के लिए इफेड्रीन को अलग अलग लैब में भेज दिया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल जांच ने अफगानिस्तान के एक मैथ कार्टेल के खिलाफ UAPA के तहत FIR भी दर्ज की। ये कार्टेल मैथ की तस्करी कर रहा था। स्पेशल ब्रांच ने ऑपरेशन चलाया और 300 किलो से भी ज्यादा मैथ की एक बड़ी खेप को पकड़ लिया। फिलहाल ये कहा जाता है कि पहले मैथ को सिंथेटिक स्यूडोएफ्रीन का इस्तेमाल कर तैयार किया जाता है। स्यूडोएफ्रीडीन खांसी जुखाम की दवाइयों में मिलता है। लेकिन इस तरीके से मैथ को बनाने में दो दिक्कतें थीं। पहली, जितनी मात्रा में मैथ को तैयार करना होता है उतनी मात्रा में स्यूडोएफ्रीडीन को तेजी से मिलाना मुश्किल था। दूसरी, ये काफी महंगी भी पड़ती थी, इसलिए दूसरे तरीके से मैथ बनाने के तरीके तलाशे जाने लगे। दरअसल साल 2014-15 में ड्रग्स कार्टेल ने इफेड्रा पौधे से इफेड्रीन निकालना शुरू किया। मैथ 3 सालों के भीतर ही कार्टेल के लिए पौधा पहली पसंद बन गया। यानी नतीजा ये हुआ कि मेथामफेटामाइन के प्रोडक्शन ने बहुत तेजी से स्पीड पकड़ ली और देखते ही देखते ये नशा दुनिया भर में फैलने लगा। वहीं मेथामफेटामाइन का प्रोडक्शन बढ़ा तो स्यूडोएफ्रीडीन और दूसरे केमिकल की तस्करी भी बढ़ने लगी। घरेलू स्तर पर भी इन केमिकल को बनाया जाने लगा। बीते फरवरी के महीने ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली में 50 किलो की स्यूडोएफ्रीडीन जब्त की थी। कार्टेल के साथ इस नेटवर्क का सरगना भी पकड़ा गया, जो तमिल फिल्मों का एक निर्माता था, जिसका नाम जाफर सादिक बताया गया था। सादिक ने भारत और ऑस्ट्रेलिया में करीब 2,000 करोड़ रुपए का अपना नेटवर्क फैलाया हुआ था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मार्च के महीने में ही जाफर सादिक को गिरफ्तार किया था। और तो और, दुनिया भर में जिस तरीके से ये मैथ फैल रहा है, यानी नशा फैल रहा है, अभी कहा जा रहा है कि मैथ को तैयार करने में चीन भी लगा हुआ है। मैथ नशे को इस वक्त चीन भी तैयार कर रहा है। मैथ के निर्माण में चीन तेजी से लगा हुआ है। मैथ बनाने के लिए जिस प्रोपियोनिल क्लोराइड रसायन का इस्तेमाल होता है, उसे बड़े पैमाने पर चीन की एक कंपनी निर्यात कर रही है।
अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने इसका खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक चीन इस ड्रग्स को तैयार कर रहा है, साथ ही अफगानिस्तान और ईरान अपने घरेलू पौधे से ड्रग्स को तैयार कर रहे हैं, जबकि म्यांमार और मेक्सिको जैसे देशों में प्रोपियोनिल क्लोराइड जैसे रसायन पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे मेथ जैसा नशा तैयार किया जा रहा है। वहीं खुफिया रिपोर्ट से जांच एजेंसियों को पता चला है कि मेथामफेटामाइन को सिलिका जेल, टेल्क स्टोन, जिप्सम पाउडर और तुलसी के बीज में भी छिपाकर दिल्ली सहित देश के अन्य हिस्सों में भेजा जा रहा है। इन सभी की सप्लाई कानूनी तरीके से होती है, ऐसे में मेथ को पकड़ना काफी मुश्किल होता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया कि म्यांमार, अफगानिस्तान और ईरान की लैब में तैयार की गई मेथ पहले पड़ोसी मुल्क के बंदरगाह पर पहुंचती है, इसके बाद इसे अलग अलग कंटेनर के जरिए भारत के बंदरगाहों पर पहुंचाया जाता है। यहां से इसे साफ सफाई और फाइनल टच देने के लिए दिल्ली NCR, मध्य प्रदेश और पंजाब की लैब में ले जाया जाता है। दरअसल नारकोटिक्स ब्यूरो के मुताबिक हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली से मेक्सिको और अफगानी कुक यानी मेथ को तैयार करने वाले एक्सपर्ट की गिरफ्तारी उसी बड़े खतरे की तरफ संकेत करती है, जिसका जिक्र खबर की शुरुआत में हमने किया था। ये कुक बंदरगाहों से लाई गई मेथ को ग्राहकों के लिए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर तैयार करते हैं, इसके बाद तस्करों का नेटवर्क मेथ की सप्लाई में जुट जाता है। लोकल स्तर पर सारी पेमेंट चुकाने के बाद मेथ की बिक्री से आई रकम को हवाला नेटवर्क के जरिए भेजा जाता है। अलग अलग देशों से होते हुए ये रकम अंतिम ठिकाने पर पहुंचती है और फिर आतंकवादियों के फंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यही वो कनेक्शन है जिसमें ड्रग्स और आतंकवाद बहुत तेजी से आपस में जुड़ रहे हैं, जिसको लेकर भारत को सतर्क रहना होगा, नहीं तो आगे आने वाले समय में ये सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।